रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, टेस्ट सीरीज का सीरीज नंबर 4 और यहाँ पे बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा एंड बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स समवेयर वायरमैन प्लस आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से इससे रिलेटेड प्रश्न है, जिसमें टोटल प्रश्न की बात हो रही है यहाँ पे 75 क्वेश्चन का और मिशन पार्ट बी का 26.5 क्वालिफाई के लिए है रेलवे एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 परीक्षा में। तो कई लोगों का इतनी लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि 26.5 नंबर कहाँ से आएंगे, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह टेस्ट सीरीज हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी तक तीन टेस्ट सीरीज आपके पास आ गया, पहला टेस्ट सीरीज आपका और दूसरा, दोनों फीटर से रिलेटेड थे जिसमें 175 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपका दूसरा तीसरा टेस्ट सीरीज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक का था, जिसमें से हमने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दोनों का था, उसमें 75 क्वेश्चन किए। और यहाँ चौथा सीरीज है जिसमें हम भी 75 क्वेश्चन की बात करेंगे और ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल आईटीआई और इलेक्ट्रिशियन आईटीआई, इलेक्ट्रिकल बीटेक डिप्लोमा का है, वायरमैन और वगैरह का है। तो कुछ लोगों के हिंट के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि ये 4 नंबर है, 3 नंबर जितने भी आपका है टेस्ट, 3 टेस्ट को आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, वहाँ से जितने भी टेस्ट सीरीज है इकट्ठा आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। उसके बाद प्रश्न संख्या से बिना ब्रेक के शुरू किया जाए, तो बिना ब्रेक के शुरू करने के बाद प्रश्न संख्या 1 से हम शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले हम एलपी सीबीटी 2 टेस्ट नंबर 4 है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल वायरमैन और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा है जल विद्युत से, जल विद्युत जनित होते हैं, यानी कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर किस टाइप के होते हैं वो बताना है आपका। तो आप आंसर आप नोट करते रहेंगे अपनी, कितना आपका स्कोर हो रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज का ये मकसद ही है। और जब तक आप नहीं नोट करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से हमें टेस्ट करते रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका आंसर के रूप ऑप्शन है स्थिर क्षेत्र, जिसको स्टेशनरी फील्ड बोलते हैं, बी आपका है सिलिंड्रिकल ध्रुवीय है, और सी आपका दोहरी पिंजरे वाले रोटर है, और डी में प्रवाही ध्रुव है। तो इसमें से कौन सा है, प्रवाही को सबसे बड़ा हिंदी में डिफिकल्ट होता है, तो इंग्लिश में साइलेंट पोल जनरेटर वो भी बोला जाता है। तो ये तीनों चारों में से आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ, राइट आंसर आपका डी है, आप मैच भी करते चलिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को सुधारने के लिए या करेक्शन करने के लिए कंडेंसर को अवध करना चाहिए यानी कनेक्ट करना चाहिए। तो अवध और कनेक्ट हिंदी और इंग्लिश में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो सुधारने के लिए हमें क्या किस में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चारों ऑप्शन को एक एक देखते हैं। पहला है कह रहा है डेल्टा में लगा दीजिए, दूसरा कह रहा है स्टार में लगा दीजिए, तीसरा कह रहा है सप्लाई के पैरेलल या समानांतर में लगाना है, और डी आपको बोल रहा है सप्लाई के सीरीज में लगा दीजिए। तो इनमें से कौन से में लगाना चाहिए जिससे हमारा पावर फैक्टर सुधारने के लिए करेक्शन होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा आंसर सी यहाँ पे राइट आंसर है, सप्लाई के समानांतर यानी पैरेलल में लगाते हैं कंडेंसर को, और कह सकते हैं इस तरफ की आपकी लाइन जा रही है तो एक वायर इधर से और एक वायर इधर से, और इसके बीच में हम लगाते हैं कैपेसिटर, तो इसे बोलते हैं पैरेलल। और अगर आप सीरीज में लगा देंगे तो कैपेसिटर आपका सर्किट ही ब्रेक करेगा, प्लस आपको कोई यूजलेस टाइप पे हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 और 4 को हम इकट्ठा ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रतिघात, और हिंदी है इंग्लिश में मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा। तो यहाँ देखिएगा ये डिफिकल्ट ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ी सी डिफिकल्ट है और ये प्रश्न शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। मैग्नेटिक रिएक्टेंस प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा अभी तक हमने रूल नहीं पढ़ा, लेकिन आंसर इसका दिया हुआ है वास्तविक प्रचालन, लेकिन ये गलत है, इसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। उस समय यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पहला लघु परीक्षण शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरा मुक्त परीक्षण ओपन सर्किट टेस्ट, तीसरा हिस्टेरिस लूप, और चौथा है एक्चुअल ऑपरेशन। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रतिघात के जगह पे हिस्टेरिस लॉस प्राप्त करने के लिए होगा,
ध्यान दीजिएगा, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो हिस्टेरिस लॉस प्राप्त करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और एडी करंट लॉस के लिए, दोनों के लिए। अगर आपको कॉपर लॉस प्राप्त करना है तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लगता है प्रश्न में जो जहाँ से था बुक में वो गलत है, और इसको हम करेंगे, इस टॉपिक को हम सीधा सा कर देते हैं। आपको कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए क्या हमें करना है, तो लघु परिपथ टेस्ट यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए। तो इसको आप एक नोट कर ले इस तरीके से। उसके बाद चौथा नंबर है प्रश्न, जिसमें समान मान वाले चार प्रतिरोधों जब वोल्टेज वाले आपूर्ति के आर पार श्रृंखला में आबद्ध है तो 20 किलोवाट का विसरण करते हैं। यदि उसी आपूर्ति को हमें आर पार समानांतर में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध और पावर संरक्षण यानी शक्ति संरक्षण क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल ये प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ, तो R1, R2, R3, R4 जोड़ा हुआ है पहले सीरीज में, तो उस सर्किट का पावर आपका 20 वाट ले रहा है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट है। अगर इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो पावर क्या लेगा, तो ध्यान दीजिएगा, पावर यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है कम, और पावर उसके हो जाएंगे ज़्यादा। तो ये आपको यहाँ पे बताना है इस प्रश्न में। तो ज़्यादा कितना होगा, तो 20 × 2 × 2 तकरीबन एवरेज है, और 20 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कह सकते हैं 2 के 4 बार बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में आ गया, सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/2 कितना आ जाएगा, 16, और 16 को यहाँ मल्टीप्लाई हमने 2 × 2 × 2 कर दिया, तो 20 को 16 से करेंगे तो 320 वाट आएगा पावर, 20 × 16 तो 320 वाट। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी है। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न को अगर आप देखें, तो पांचवा नंबर प्रश्न है, यदि एक तप्त प्लेट, इसको हॉट प्लेट भी बोलते हैं, कई लोग कहेंगे कि इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, तो हॉट प्लेट मेंस से आबद्ध है, मेंस सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो इसका तत्व लाल नरम गर्म हो जाता है, लेकिन लीड ताम्र लोहे की लीड है जो कॉपर की है वो तारे में घर्षित रहती है, गर्म नहीं होती है, तो इसके कारण आपको बताना है। तो हिंदी देखिए कितना दिक्कत है, तो सारे प्रश्न को एक एक करके करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखना है लीड ताम्र यानी तांबे की जो शक्ति है वो गर्म ठंडा ही रहेगा, लेकिन उसका क्वाइल है वो तप्त हो जाता है, क्यों, इसके बारे में आपका पहला आंसर है, द एलिमेंट इज क्वाइलेड बट वायर नॉट, वायर स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। बी कह रहा है कि लेंथ है और एलिमेंट मोर, एलिमेंट जो है क्वाइल की एलिमेंट है उसकी लंबाई ज़्यादा है। सी कह रहा है कॉपर वायर पतला है एलिमेंट से इसलिए, और डी कह रहा है कि दी एलिमेंट है जे हाई रेजिस्टेंस देन कॉपर वायर, कॉपर वायर से ज़्यादा एलिमेंट का रेजिस्टेंस होता है। तो ये आप टोटल ऑप्शन देखेंगे तो राइट ऑप्शन डी है, एलिमेंट का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है, और एलिमेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कॉपर वायर से, जिसके कारण से वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, लेकिन उससे जुड़े हुए वायर वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, 100 kVA ट्रांसफार्मर में लोहे की हानि 1 kW है एवं पूर्ण भार पर तांब हानि कॉपर लॉस 2 kW है, तो इसकी दक्षता भार रहित होगी, किस पे दक्षता भार रहित होगी वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन ए है आपका 100√2 kVA, बी आपका है 100/√2 kVA, और सी आपका है 50 kVA, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशेंसी ज़्यादा कब होती है, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, सबको पता है। तो यहाँ कॉपर लॉस बता रहा है 2 kW है और आयरन लॉस 1 kW है, उस कैपेसिटी में इसकी इफिशेंसी जितनी पावर की होती है उसके रूट 2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 को रूट डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। तो 100√2 से भी KVA, इसको अगर भागा देंगे तो उतना KVA पे अगर लोड रहेगा तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर हो जाएंगे और ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशेंसी पे काम करेगा। उसके बाद अगले हम स्लाइड में चलते हैं, तो अगले स्लाइड में हमारा प्रश्न संख्या 7 से आना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 7 आ गया हमारे पास, अब इसको प्रश्न को आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से।
प्रश्न में हम चले, एक धीमी गति वाला अल्टरनेटर सामान्यतः जाना जाता है लो स्लो स्पीड अल्टरनेटर को किस नाम से सामान्यतः जानते हैं। पहला आपका ये आंसर है टर्बो जनरेटर दिया हुआ है आंसर में, बी दिया हुआ है वाटर व्हील जनरेटर, सी दिया हुआ है नॉन साइलेंट पोल अल्टरनेटर और डी हुआ है एनी ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी कहते हैं। तो धीमी गति के बारे में पूछ रहा है, तो धीमी गति के बारे में हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, तीनों चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन कंप्लीट होगा, ये सबको पता है। और यहाँ पे आंसर बी होगा, जिसे बोलते हैं वाटर व्हील जनरेटर। तो राइट आंसर आपका है बी। उसके बाद आठ नंबर प्रश्न है, एक डीसी जनित्र यानी डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर प्रयुक्त होता है, यूज ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। तो ये हर बार ये प्रश्न किसी न किसी रूप में एक प्रश्न में रहता ही है, कम्यूटेटर का एक सवाल। तो यहाँ पे कह रहा है कन्वर्टिंग यानी बदलना डीसी को एसी में, दूसरा कह रहा है चार्जिंग एसी को चेंजिंग एसी टू डीसी, तीसरा कह रहा है कलेक्ट करेंट फ्रॉम आर्मेचर, तीसरा कह रहा है रिडक्शन फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए, चौथा डी ऑप्शन है। ये चारों में से आपको एक बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कम्यूटेटर ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में मोटर या जनरेटर दोनों में बदलने के काम होता है, जब लेते समय या करंट देते समय। तो यहाँ जनरेटर है तो एसी को डीसी में बदलने के क्या करता है, यानी कह सकते हैं जितने भी डीसी जनरेटर होता है उसमें उत्पन्न वोल्टेज एसी होता है, कम्यूटेटर के द्वारा उसे डीसी बदल के आपको डीसी दिया जाता है। उसके बाद नवा प्रश्न है, एक त्रिकाला तुल्यांक मोटर तुल्यकालिक मोटर यानी सिर्कुनोरस मोटर में अमंदन की वाइंडिंग डैम्पिंग वाइंडिंग प्रदान किया जाता है, किसके लिए वो बताना है आपको। डैम्पिंग वाइंडिंग को बोलते हैं अमंदन वाइंडिंग। तो यहाँ पे आपको प्रदान किस लिए किया जाता है, पहला है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, थ्री फेज स्क्वायर केल इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज अल्टरनेटर, इसमें से एक राइट आंसर आपको बताना है कौन होगा। तो यहाँ राइट आंसर मेरे तरफ से बी है, थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, डैम्पिंग वाइंडिंग अगर सिंक्रोनस मोटर के स्थान पे डाल दिया जाए तो थ्री फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हो जाएगा। तो ये आपको राइट आंसर बी मिल गया नौ प्रश्न का। उसके बाद दसवां नंबर प्रश्न और ग्यारहवां नंबर प्रश्न लेंगे। तो दसवां नंबर है सेमीकंडक्टर, जिसे हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं, कि प्रतिरोधकता का तापमान गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशियंट सदैव होता है। तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, जितने भी कंडक्टर होते हैं उसके टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ आंसर एक देख ले, पहले ऑप्शन ए है शून्य, बी है आपका यूनिटी, सी है ऋणात्मक और डी है धनात्मक पॉजिटिव। तो कंडक्टर का तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इंसुलेटर है तो सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर का आपका नेगेटिव होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर सी है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है बुकोल्ज रिले, बहुत बार प्रश्न आता है बुकोल्ज रिले किसके संरक्षण यानी प्रोटेक्शन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है ओवर हेड लाइन के लिए, बी है आपका अंडरग्राउंड केबल के लिए, सी है अल्टरनेटर और मोटर के लिए और डी है ट्रांसफार्मर के लिए। तो किसको प्रोटेक्शन करता है आपको आंसर पता होगा और आपने अभी तक दे दिया होगा। तो बिना देरी किए हुए बताते हैं डी, बुकल्स रिले टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर अगर वेंडिंग की हो जाती है, आयल की हो जाती है, उस समय ट्रिपिंग डिवाइस का काम करता है, उसके लिए लगाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 12 और 13 है। तो 12 नंबर पे बोले अर्धि पार्श्व पथ मोटर की क्षेत्र की धारा परिवर्तित की जाए तो, इफ द फील्ड करेंट ऑफ द शंट मोटर इज चेंज देन क्या होगा। पहला कह रहा है एचपी जो हॉर्स पावर है रिमेन कांस्टेंट होगा लेकिन टॉर्क चेंज हो जाएगा, दूसरा कह रहा है टॉर्क कांस्टेंट होगा हॉर्स पावर बदल जाएगा, सी कह रहा है आपका एचपी एंड टॉर्क दोनों कांस्टेंट होंगे और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दी एबव है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हमें मिल जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तार की वायर बदलने से किसी मशीन की पावर नहीं बदलती, यानी एचपी हमेशा कांस्टेंट होगा लेकिन उसको अगर पार्श्व पथ मतलब फील्ड करंट का शंट मोटर बदलने से उसकी टॉर्क चेंज हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखें, ट्रांसफार्मर में कूलेंट की तरह प्रयुक्त एक रोधन पदार्थ यानी इंसुलेटिंग मटेरियल है,
तो ट्रांसफार्मर में लगने वाला आयल किस प्रकार का मटेरियल है, तो यहाँ पूछ रहा है पहला ए है खनिज तेल, दूसरा है पेपर, सी है पोरोसिलिन और डी है प्रेस बोर्ड। तो इनमें से कौन सा आंसर है वो बताना है। तो ट्रांसफार्मर के आयल को मिनरल आयल ही बोलते हैं, जिसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ राइट आंसर ए है, इस पे पूछ रहा है कौन सा आयल होता है, तो खनिज तेल होता है जिसके मिनरल आयल बोलते हैं। तो यहाँ 13 नंबर प्रश्न हो गया, उसके बाद अगले स्लाइड में चलेंगे। तो अगले स्लाइड में हमारे पास 14 नंबर से प्रश्न शुरू है, तो 14 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। एक डीसी पार्श्व जनित मोटर, और पार्श्व को आपने पहले ही सुन लिया, मोटर नहीं है जनरेटर है, ध्यान दीजिएगा। तो शंट जनरेटर जिसकी ईएमएफ 220 वोल्ट है और 210 वोल्ट लोड पे भार आपूर्ति कर रहा है, तो आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 है, तो आर्मेचर में बहने वाली धारा का मान बताएं। तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, करिएगा तो आपके लिए ठीक है, बहुत बेटर है, नहीं नहीं करिएगा तो छोड़ के भागना है, लेकिन हम यहाँ करेंगे। तो ये ए आंसर है 220, बी 105, सी है 20 और डी है 10 एम्पियर। तो इसको हमें आंसर हम पहले बता दें जिन लोगों के थोड़ी दिक्कत है, तो 20 एम्पियर होता है। और इसको कैलकुलेट करते हैं बैक ईएमएफ वाला टर्म से, जैसे आपको ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, तो यहाँ भी आपको दिया हुआ है, ई बी दिया हुआ है, भी आपका कितना ई एम एफ जनरेटेड कर रहा है तो 220 है, और यहाँ पे 110 दिया हुआ है, तो दोनों को घटाएंगे तो 220 में से 10 आएगा, और 10 भागा 0.5 करेंगे, तो ये डायरेक्ट इस कैलकुलेशन को धन कर देते हैं, 10 भागा 0.5 और इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो 20 एम्पियर इसकी है करेंट, इसकी करेंट कैपेसिटी उस समय आर्मेचर की है। और इस टाइप के प्रश्न बार बार आते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है 15 नंबर। एक संतुलित थ्री फेज आपूर्ति में, थ्री फेज आपूर्ति को क्या बोलते हैं, थ्री फेज सप्लाई में किसी काल पर त्रिकाला ईएमएफ, थ्री फेज ईएमएफ का सदिश योग होता है। तो ये सदिश योग के बारे में पूछ रहा है 15 नंबर प्रश्न में, और इसमें आंसर पहला आपका दिया हुआ है फेज वोल्टेज, दूसरा लाइन वोल्टेज सी, और तीसरा है मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा तीनों के बीच सदिशों का योग हमेशा शून्य होता है, चाहे उसके फेज डिफरेंस कितनी भी हो, लेकिन योग जो होती है बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, 1 एम्पियर की तुलना में 10 एम्पियर एम मीटर की प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होगा। तो 1 एम्पियर एम मीटर है और 10 एम्पियर मीटर है, दोनों का प्रतिरोध कितना होगा, तो जानते ही हैं सीरीज में हम लगाते हैं किसी मीटर को, तो एम मीटर का करंट कॉइल बिल्कुल एक कॉइल होता है वो बिल्कुल कम टर्न का होता है। तो यहाँ बताना है कि आपको एम मीटर का 1 एम्पियर का होगा कम या 10 एम्पियर का। तो पहला आंसर आपका ज़्यादा बता रहा है, बी बता रहा है 10 टाइम्स के बराबर, सी बता रहा है बराबर, और चौथा बता रहा है कम, तो इनमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो मेरा आंसर यहाँ पे डी है, क्योंकि जितना अगर ज़्यादा एम्पियर मापने की इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी करेंट रेटिंग आपका प्रतिरोध कम होते जाएगा, यानी रेजिस्टेंस उस कॉइल की कम होते जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न, तो 17 नंबर प्रश्न में है, एक त्रिकाला यानी थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज फुल पोल इंडक्शन मोटर 5% स्लिप पे चलता है, स्टेटर घूर्णन का क्षेत्र स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के मध्य सापेक्ष यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये बताना है। तो इसमें प्रश्न में सभी लोग फंसेंगे मुझे पता है, क्योंकि सब लोग कैलकुलेट करेंगे एन एस सिंक्रोनस स्पीड और एन आर रोटर स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड आपका 1500 RPM आ जाएगा, 4 पोल का है, और रोटर स्पीड आ जाएगा आपका 1425 RPM। तो क्या करेंगे लोग, 1500 माइनस 1425 और आंसर करेंगे बी, मुझे पता है, लेकिन बिल्कुल ये गलत है। यहाँ पे एक स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की पूछ रहा है, आपसे स्पीड नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ आंसर में आप देख सकते हैं दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड 0 हो गया, लेकिन अगर रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड में डिफरेंस पूछता उस समय आपका आंसर 75 RPM होगा, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न में कई लोग गलती करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 5% स्लिप पे हम अगर निकालेंगे तो ये 75 RPM का डिफरेंस आएगा।
तो यहाँ एक ऑप्शन है आपके लिए कि संभलने के लिए। उसके बाद हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है जिसमें कहते हैं पार्श्व पथ जनित के अंतर ध्रुव वाइंडिंग वहन करता है। इन शॉर्ट इन सन्स जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग कैरिड। तो इंटरपोल के बारे में कई बार आपने सुना होगा कि ये किस में लगता है, आर्मेचर के सीरीज में लगता है हमेशा, और इसकी पोल आर्मेचर के अगला पोल होती है उसी टाइप का। तो ये ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न है और एक तीसरा प्रश्न पूछा है कि किस में इसके ध्रुव वाइंडिंग वहन करता है, कौन सा करंट वहन करता है या क्या करता है वो बताना है। तो ये आंसर है फुल लोड करंट, दूसरा है आर्मेचर करंट, सी है शंट फील्ड करंट, और डी है नन ऑफ दी अबव। तो हमने बताया कि कर आर्मेचर के सीरीज में लगता है तो करंट भी पर फॉलो करेगा किसका, आर्मेचर के करंट का ही। जितना आर्मेचर में करंट होगा उतना आपके इंटरपोल के कनेक्शन में करंट होगा। तो राइट आंसर यहाँ आपका है बी। उसके बाद हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है आर एल सी सीरीज परिपथ, यानी आर एल सी सीरीज सर्किट हेतु अनुनाद पर प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस होगी वो बताना है आपको। अनुनाद आपको जानते ही हैं, अनुनाद को रिजोनेंस बोलते हैं, कई लोगों को नहीं पता होगा रिजोनेंस पे क्या होगा इम्पीडेंस वो बताना है। तो 19 नंबर प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं ये शून्य है, दो न्यूनतम है यानी मिनिमम है, सी अधिकतम है मैक्सिमम है, और डी अनंत है। तो ध्यान दीजिएगा रिजोनेंस पे प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इन इंड्यूस्ड इमेज मध्य कला अंतर यानी फेज डिफरेंस होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच उत्पन्न वोल्टेज के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है ये बताना है। तो 20 नंबर प्रश्न है, कुछ लोग क्या करते हैं एसी सर्किट पढ़ लिया उसमें से 180 कहीं मिल जाता है कहीं 120 मिल जाता है थ्री फेज में, उसी को ऑप्शन ढूंढने लगते हैं कि है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इंड्यूस्ड में वोल्टेज और करंट दोनों के वोल्टेज की फेज डिफरेंस, यहाँ फेज डिफरेंस की बात हो रही है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस डी 0 होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है एक ट्रांसफार्मर जिसे हमने TF लिख रखा है जो कि अधिकतम दक्षता मैक्सिमम इफिशेंसी पे कार्य कर रहा है। तो लौ हानि 60 वाट है, 650 वाट है सॉरी, तो ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस क्या होगा ये बताना है इसमें कॉपर लॉस के बारे में। तो हमने बोला था मैक्सिमम इफिशियंसी पे ट्रांसफार्मर पर कर्म करता है तो कॉपर लॉस बराबर किसके होता है, आयरन लॉस। उसमें से प्रश्न ढूंढना है आपको, ए है 1300 वाट, बी है 325 वाट, सी है 650 वाट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं दोनों की मैक्सिमम इफिशियंसी पे चलाना है ट्रांसफार्मर को, तो यहाँ कॉपर लॉस दिया हो 650, आयरन लॉस तो कॉपर लॉस भी 650 वाट होगा, राइट आंसर सी है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 22 है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर की न्यूनतम आर्मेचर करंट किसके समकक्ष होगी, बता रहा है आर्मेचर करंट किसके समकक्ष होगी थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर से डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर बताना है। तो 0 PF, दूसरा एन्यूटी PF, तीसरा 0.8 लैगिंग और 0.8 लीडिंग PF। तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, यूनिटी पावर फैक्टर पे सिंक्रोनस मोटर न्यूनतम आर्मेचर करंट यानी बिना लोड के। ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट में यहाँ छुपा हुआ है, लोग क्या करते हैं ऐसे जितने भी होते हैं ये सिंक्रोनस मोटर 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है आर्मेचर करंट क्या है न्यूनतम यानी 0 है, यानी कह सकते हैं बिना लोड का है। इस टाइप के बिना लोड पे सिंक्रोनस को आगे हम एक और प्रश्न इसी पे करेंगे जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर जिसकी पावर फैक्टर यूनिटी होती है। ध्यान दीजिएगा एक और प्रश्न आएगा ऐसा। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 23 जिसमें है पूछ रहा है समानांतर में प्रचलित दो ट्रांसफार्मर का भार वहन करने के लिए निम्नलिखित पे निर्भर करेगा, और भार वहन को क्या बोलते हैं लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग किस पे निर्भर करेगा, ए है आपका रेटिंग, बी है लीकेज रिएक्टेंस, सी है लॉसेस, डी है पर यूनिट इमिटेंस। तो इनमें से कौन सा होगा जल्दी से आंसर दे दें। तो रेटिंग आपका लीकेज रिएक्टेंस हानियाँ और पर यूनिट इम्पीडेंस। तो ध्यान दीजिएगा जितना बड़ा ट्रांसफार्मर है पर यूनिट
यूनिट इम्पीडेंस होगा उसी अनुसार से वो लोड शेयर करता है। और पैरेलल ऑपरेशन में ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिया हुआ जरूर मिल जाएगा। तीसरा आपका फिर 24 नंबर प्रश्न है, एक तीन बराबर रेजिस्टेंस शोइंग इन स्टार इक्वल इन डेल्टा, मतलब स्टार में दिए हुए रेजिस्टेंस अगर 6 ओम है तो डेल्टा में उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो ये बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार से डेल्टा कन्वर्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है और थोड़ी सी पॉइंट है, और अगर एग्जाम में आया तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर बता रहा हूँ, 6 × 3 तो आपको 18 हो जाएगा स्टार से डेल्टा में, और डेल्टा से स्टार में करेंगे तो कम हो जाएगा। तो इसकी एक फार्मूला भी होती है, उसको आपको इस समय देख सकते हैं। अगर स्टार से डेल्टा करना है तो मैं एक बार ट्रिक्स आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपका 2 रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो इसके अपोजिट भुजा अगर R1 पता करना है तो इसको अपोजिट करना है, 6 × 6 2 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई अपोजिट भुजा 6। तो इस टाइप से आपको प्रश्न करना होता है, और इसमें क्या होता है R1 R2 R3 तीनों का जोग करके एक फार्मूला होता है, वहाँ हम कंसेप्ट में जाएंगे तो बहुत फंस जाएंगे और लंबा इस प्रश्न को करने में आपको टाइम लगेगा। तो इस प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लें, स्टार से डेल्टा कन्वर्सन, डेल्टा से स्टार कन्वर्सन, जिसका हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास है सी, क्योंकि हमारे पास इसमें सारे 75 प्रश्न को करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी है। उसके बाद 24 नंबर के बाद प्रश्न 25 नंबर, जिसमें ट्रांसफार्मर के पूर्व भार पे कॉपर लॉस और यूनिटी पावर फैक्टर पे 800 वाट है, तो पूर्व भार पे ताम्रहानि 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले वीडियो का ही रिपोर्टेड होता है। तो हमने बोला था कि ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कॉपर लॉस इफिशियंसी के लिए डिपेंड और उसकी के भी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। उसमें अगर पावर फैक्टर यूनिटी है, 0 है 1 है, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि कॉपर लॉस यूनिटी पावर फैक्टर पे 800 वाट है, तो 0.800 पावर फैक्टर पे क्या है, तो एक ऑप्शन ए में 400 वाट है, बी में 640 वाट है, सी में 800 वाट है और डी में 200 वाट है। तो फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम इफिशियंसी पे आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस। तो अगर कॉपर लॉस यहाँ 800 वाट है तो आयरन लॉस उसी पे आयरन लॉस 800 वाट ही होगा, यानी पावर फैक्टर से इंडिपेंडेंट है। यहाँ आयरन लॉस की टॉपिक नहीं था, केवल आपका पावर फैक्टर का टॉपिक है। तो यानी पावर फैक्टर से आपके लोड पे कोई अंतर नहीं पड़ता, उसकी लॉस पे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट आपका सेम है। लोड पे अंतर पड़ता है, आपको पावर फैक्टर पे लॉस पे अंतर नहीं पड़ता। तो राइट आंसर यहाँ सी है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न, डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभन बल यानी स्टार्टिंग टॉर्क आघूर्ण होता है डीसी का, तो यहाँ बताना है सीरीज बराबर संट टॉर्क, सीरीज मोटर से संट मोटर का ज़्यादा होता है, सीरीज मोटर टॉर्क का ज़्यादा होता है संट मोटर से और शून्य के बराबर होता है। ये चारों ऑप्शन में से आपको एक बताना है कौन सा राइट आंसर है, तो आप ढूंढ लीजिए। तो हमने थोड़ी सी ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं कि सीरीज मोटर को हम लोड के साथ नहीं चलाते हैं, क्यों बताइए, बिना लोड के नहीं चलाते हैं क्यों, क्योंकि वो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और स्पीड ज़्यादा होगी तो उसकी टॉर्क बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे वो मोटर को डैमेज करने की कैपेसिटी रखती है। सेम प्रश्न को यहाँ उल्टा करके दे दिया है, तो ध्यान दीजिएगा सीरीज टॉर्क हमेशा ज़्यादा होता है शंट टॉर्क से। शंट टॉर्क को रियल स्टार्ट यानी स्लो स्टार्ट मोटर भी बोला जाता है, और सीरीज मोटर एकदम बिल्कुल झड़क स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिएगा टॉर्क सीरीज मोटर की हमेशा ज़्यादा होगा, राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 27 नंबर, जिसमें ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का प्रयोग होता है। ब्रीदर आप जानते ही है ट्रांसफार्मर में, और सवाल पूछता है ब्रीजर कंजर्वेटर वोकल्स रिले, और कई बार बोले तो आयल ट्रांसफार्मर आयल वाइंडिंग, ये सारा ट्रांसफार्मर के पार्ट है, उसमें से ब्रीदर का पूछ रहा है आपको। तो यहाँ बताना है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर आयल एक्सपेंशन, तीसरा है आउटफ्लो इनफ्लो और गैसेस, तीसरा फैसिलिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ बुकल्स रिले, इसमें से कौन से के लिए ये प्रावधान करता है। तो देखिए ब्रीदर को ट्रांसफार्मर को सांस लेना भी बोलते हैं, ब्रीद करना आप जानते हैं कि हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे ही ट्रांसफार्मर की सांस लेना होता है। तो ये कह सकते हैं सांस लेते वक्त क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इसी तरह ट्रांसफार्मर बाहर की तरफ गर्म हवा फेंकता है, अंदर की तरफ
ठंडा हवा लेता है, सिंपल सी बात है। और इस हवा को में नमी नहीं जाए, क्या लगाया हुआ रहता है, सिलिका जेली लगा हुआ होता है ब्रीदर में, जो नमी को अवशोष कर लेता है। तो ये दो प्रश्न एक साथ हो गया, यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो गया। और उसके बाद दो तीन प्रश्न और इसी में कर लेते हैं। तो कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो क्या इसके लिए यूज करते हैं, वोकल्स रिले यूज करते हैं, वोकल्स रिले। और आयल एक्सपेंशन के लिए क्या करते हैं, कंजर्वेटर। तो ध्यान दीजिएगा ये सारा ऑपरेशन है, एक दो तीन और एक हमने सिलिका जेली, चार प्रश्न एक प्रश्न से। उसके बाद हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। तो 27 के बाद हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दे के करना है इसमें। सुई को शून्य स्थिति से ले जाने के लिए कौन सा बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, यानी नीडल जो है, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंटेशन में किसी नीडल को जीरो से लेके फुल डिफ्लेक्शन तक टॉर्क के साथ बल आघूर्ण के साथ ले जाने के लिए कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ ऑप्शन ये देखेंगे, तो यहाँ ए में आपका है 2 टन बल आघूर्ण, जिसे ब्रेकअप टॉर्क लिखा हुआ है, और 56 बल आघूर्ण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, सी है नियंत्रित टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क, और डी है अवमंदन बल यानी डैम्पिंग टॉर्क। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो आप शुरू हो जाइए। तो कहते हैं ना कि जब कोई भी स्केल है उसमें हमारा एक पॉइंटर, पहले अगर इसमें हम कुछ नहीं लगाते तो 0 पे होता है, इसको इधर से यहाँ तक फुल स्केल तक चलाने के लिए कौन सी बल लगेगी, तो डिफ्लेक्टिंग यानी इसको बढ़ाना, डिफ्लेक्ट करना, तो डिफ्लेक्टिंग यानी और 56 बल लगेगा, ये बी होगा। और यहाँ से इसको पुनः अवस्था में ले जाने के लिए लगता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, जहाँ सी ऑप्शन है। और इस पॉइंटर एकदम बिल्कुल आराम आराम से चले, मतलब ऐसा नहीं जर्क मारते हुए चले, उसके लिए लगाते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो ए बी बी सी और डी तीनों मीटर का टॉर्क है, तीनों ध्यान रखिएगा, डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग, तीनों प्रश्न हमेशा आते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 20 है, जिसमें पूछ रहा है रोधन प्रतिरोध, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है किसके द्वारा। तो पहला ओम मीटर है, बी मेगर है, सी आपका मल्टीमीटर है, डी अर्थ टेस्टर है। तो ये सब लोग जानते। तो यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न की बात था, तो इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापा जाता है, तो राइट आंसर बी था मेगर, जो गलती से यहाँ पे डी हमने की बात कर लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बी है मेगर, ओम मीटर मल्टीमीटर नहीं, मेगर होगा, बी है। इसको प्रश्न नंबर 20 नहीं है, 29 है, यहाँ थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है। उसमें 30 नंबर अगर बात करें तो सीआरओ का फुल फॉर्म क्या है, यानी सीआरओ का फुल फॉर्म बताना है। तो पहला ऑप्शन कैथोड रे रेड ऑसिलोस्कोप है, दूसरा आपका है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रे है, यहाँ पे है कंट्रोल रे ऑसिलोस्कोप, और इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर आपको पता ही है, सभी को पता होता है, सी है, बी है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसके बाद आगे है आपके पास साधारण प्रयुक्त कालानुक्रम है, यानी फेज सीक्वेंस किसी भी सर्किट का साधारण क्या है। तो ये सबको दो रूप से प्रश्न आता है, पहला से फेज सीक्वेंस के बारे में बात कर लें, तो ये है BRY, बी है RYB, सी है YBR, और तीसरा फेज और न्यूट्रल एंड अर्थ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा BRYB। और कई बार पूछ देता है कि 3 फेज का वायर का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो यहाँ भी आपको क्लियर हो जाएगा, रेड येलो और ब्लू, ये बताना है 3 फेज के लिए। और कई बार आ जाता है अर्थ का वायर का, तो इसे हमें ग्रीन बताना है, हरा बताना है, और न्यूट्रल का अगर पूछ दिया जाए तो न्यूट्रल के लिए हमें ब्लैक यूज करना होता है, यानी काला यूज करना होता है। तो ये कोडिंग है जिसके बारे में से IAS कोड से पीछे CVT 1 में भी प्रश्न आ चुका है इससे। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 32 है, जिसमें एक 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में मोटर की लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, तो वाइंडिंग की वोल्टेज क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमें दो कनेक्शन पढ़े थे, एक डेल्टा, पहला पढ़े थे स्टार, तो स्टार में कुछ इस टाइप की संरचना है, दोनों में फ्यूज वोल्टेज और फिर लाइन वोल्टेज के बारे में बात किए थे हमने पहले भी। तो यहाँ पहले आपको बताना है, ए है 400 वोल्ट, बी है आपका 200 वोल्ट, सी है 400√3 वोल्ट, और डी है 400/√3 वोल्ट, कौन सा ऑप्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार में क्या होता है, लाइन वोल्टेज, वोल्टेज लाइन कितना होता है, √3 गुना होता है किसका, फेज वोल्टेज का। तो कह सकते हैं लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3
फेज वोल्टेज किस में है? स्टार में। लेकिन डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज दोनों बराबर होता है। तो वाइंडिंग मोटर की लाइन की वाइंडिंग, यह प्रश्न एक बार फिर देख ले, मोटर की लाइन वोल्टेज और वाइंडिंग की वोल्टेज, वाइंडिंग के वोल्टेज का मतलब है फेज वोल्टेज और लाइन का वोल्टेज मतलब आपका लाइन वोल्टेज, तो दोनों डेल्टा में बराबर होता है। तो यहाँ राइट आंसर 32 का आपका ए हो जाएगा, क्योंकि फेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होता है डेल्टा में। उसके बाद मैक्सवेल सेतु यानी मैक्सवेल ब्रिज के बारे में पूछ रहा है, किसके द्वारा किसको नापने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या मेजर करता है? तो आपका ये ऑप्शन है आवृत्ति, बी है प्रेरण, सी है प्रतिरोध और डी है कैपेसिटेंस, दोनों में से कौन सा यूज होता है? तो 33 के बारे में आपने देखेंगे तो मैक्सवेल जहाँ भी टर्म लगता है इंडक्टेंस का यूज होता है, और मैक्सवेल में ही कोई और भी होता है उसको कैपेसिटेंस होता है, लेकिन मैक्सवेल का नाम बदल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ राइट आंसर आपका है बी। उसके बाद अर्धचालक फिर से सेमीकंडक्टर में छिद्र बने होते हैं, वो हैं छिद्र मतलब यहाँ कहने का मतलब होल है, और होल किस टाइप मटेरियल में होता है, पी टाइप में, और पी टाइप मटेरियल कौन सा होता है वो बताना आपको। तो यहाँ है धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक, यहाँ दोनों में से एक कोई भी हो सकता है और इनमें से कोई नहीं, वो बताना है। तो होल में हमेशा पॉजिटिव आयन होता है, तो यहाँ पे धनात्मक भाग कह सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता यानी एन टाइप मटेरियल पूछे तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, तो वहाँ चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, जिसमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग बताई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ KVA लिखा हुआ है, किलोवाट, KWH और KWA, इनमें से किस में होता है? तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर जो डिजाइन करता है उसे लोड का नहीं पता होता, लोड पे कौन सी पावर फैक्टर का कंज्यूमर यूज करता, इसलिए इसको किलोवाट में नहीं किया जाता है, KVA में किया जाता है। और राइट आंसर आपका यहाँ ये है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में की जाती है। उसके बाद हम अगले भी स्लाइड पे चलेंगे, जिसमें 36 नंबर प्रश्न आएगा। तो 36 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है, जिसमें DC मशीन को आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। पहला ये ऑप्शन है बिना स्टार्टर के, स्टार डेल्टा स्टार्टर से, तीसरा है थ्री पॉइंट स्टार्टर से, और चौथा है ड्यूल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से। इसमें से किसके द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, DC मोटर को स्टार्ट के लिए थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं जनरली, और यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा सी। तो थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट में से कोई भी मिलेगा तो उसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 37 है, कोर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ किस समय अंत होती है? कोर के निर्माण में कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? जो हमने पिछला टेस्ट सीरीज 3 बनाया था उसमें पूछ दिया था कि सॉफ्ट आयरन या हाइड आयरन यूज करते हैं कोर के निर्माण में मैग्नेटिक मटेरियल का, यहाँ पूछ दिया कि किस टाइप के मटेरियल को यूज करते हैं, पदार्थ का यूज करते हैं। ये ऑप्शन है प्लास्टिक, बी है अल्मोनियम, सी है कार्बन और डी है सिलिकॉन स्टील। तो ध्यान दीजिएगा, कोर में क्या होता है, एडी करेंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस को, एक प्रॉपर्टी पे होता है, एक आपका इंसुलेशन पे होता है। इस दोनों को कम करने के लिए, एक को कम करने के लिए मटेरियल की टाइप और दूसरे को करने के लिए लमिनेशन, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील, जो राइट आंसर यहाँ पे डी है। और एक बार जिनको देखना है प्रश्न दोबारा देख ले, कुछ लोग बोलते हैं मार्कर चलाने से प्रश्न नहीं दिखता, तो बिना मार्कर के आपको समझाया जाना मुश्किल है, क्योंकि कहाँ किस बात हो रही है कोई नहीं समझ में आएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, ओपन सर्किट टेस्ट किस मशीन के लिए किया जाता है? तो ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में हमने पहले भी बात कर लिया है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में भी बात कर लिया है, किसके लिए करते हैं वो भी है, लेकिन यहाँ प्रश्न है, पहला ये ऑप्शन है DC मोटर, बी है आपका अल्टरनेटर, उसके बाद सी है ट्रांसफार्मर और डी है हाइड्रो पावर जनरेटर। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है आपका, ट्रांसफार्मर में ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों किया जाता है। उसके बाद 38 39 नंबर प्रश्न पे आएंगे, जिसमें DC मशीन में हिस्टेरिस लॉस निर्भर करता है किस पे, वो बताना है आपको, जो हम पहले प्रश्न में भी ये शायद कर चुके हैं। तो ये लोह के आयरन एवं ग्रेड पे, दूसरा है फ्लक्स घनत्व के अधिकतम मान पे, सी है फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक रिपल्सर पे और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है 39 के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही हिस्टेरिस लॉस के बारे में पढ़ेंगे तो फाइ बी मैक्स ऐसा करके कुछ टर्म आता है, एफ स्क्वायर,
इस टाइप के टर्म आएंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी पे भी है, फ्लक्स पे भी है, और आपके मटेरियल के टाइप पे भी यूज होता है, इसका आगे कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका डी है। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, एक स्टार स्टार कनेक्शन को ट्रांसफार्मर में केवल स्टार स्टार कनेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, पहला प्राइमरी भी स्टार, सेकेंडरी भी स्टार, उसमें बोल रहा है लाइन वोल्टेज और फील्ड वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा, तो आपको बताना। हमने बोला अभी भी बात किया था थोड़ी पहले वीडियो में, अगर कनेक्शन स्टार में है तो लाइन वोल्टेज बराबर क्या होगा, √3 भी फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे आप इसमें देखें, ए में आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज है, बी में फेज लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज, सी में आपका लाइन वोल्टेज ज़्यादा है फेज वोल्टेज से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर आपके पास बी में मैच कर रहा है, और डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर होता है और करंट इसके जस्ट अपोजिट होता है। ध्यान दीजिएगा डेल्टा में लाइन करंट √3 फेज करंट के बराबर होता है, और स्टार में लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न करें, द फेज डिफरेंस इन ए 3 फेज सिस्टम इज, ये तो सभी पर को पता होगा, ए 0%, बी 30 डिग्री, और सी 90 डिग्री, और डी 120 डिग्री। तो ये सबको पता है, इसके लिए नहीं भी बताएं तो चलेगा, लेकिन बताना कर्तव्य बनता है। डी राइट आंसर है, 120 डिग्री के फेज डिफरेंस होता है, किसमें, आर वाई बी में, वही फेज डिफरेंस का बात पूछ रहा है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या आ गया क्वेश्चन यहाँ पे 42 और 43 नंबर। तो पहले हम 42 की बात कर लेते हैं, तो 42 में 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज, 3 फेज और 4 प्रणाली वायर किसके लिए यूज करना है उसके लिए बताना है। तो पहला कह रहा है कि 3 फेज लोड के लिए, बी कह रहा है 1 फेज डेल्टा लोड के लिए, सी कह रहा है 1 फेज एंड 3 फेज लोड के लिए, और डी कह रहा है 3 फेज लोड ओनली मोटर के लिए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, यहाँ 2-3 प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा बेटर है वो है सी, सिंगल फेज भी यूज कर सकते हैं और थर्ड फेज भी यूज कर सकते हैं, मतलब 3 फेज भी यूज कर सकते हैं, और 3 फेज 4 वायर सिस्टम आप जानते ही है, आर वाई बी और न्यूट्रल होता है। अगर 3 फेज यूज करना है तो आप आर वाई बी को लेंगे, अगर सिंगल फेज यूज करना है तो इनमें से एक कोई फेज साथ में ले सकते हैं, यानी कह सकते हैं आर न्यूट्रल ले सकते हैं, वाई न्यूट्रल ले सकते हैं, और बी न्यूट्रल ले सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। उसके बाद अगला प्रश्न है 43 नंबर, ट्रांसफार्मर में पूर्व भार की तुलना में अर्ध भार पे कॉपर लॉस कितना होगा, ये बताना है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण भार की अपेक्षा फुल लोड और हाफ लोड पे बताना है कॉपर लॉस के बारे में। तो यहाँ 4 गुना कह रहा है, यहाँ 2 गुना कह रहा है, यहाँ हाफ गुना कह रहा है, यहाँ 1/4 गुना कह रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा लॉस इक्वल टू कॉपर स्क्वायर होता है, तो लोड कितनी है आधा, तो आपकी लॉस 1/4 टाइम कम हो जाएगा कॉपर लॉस। अगर लोड है 1/4 तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आपका कॉपर लॉस 1/60 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये टर्म है, और राइट आंसर यहाँ पे आपका डी है। उसके बाद हमारे पास अगले स्लाइड में चलेंगे, तो अगला स्लाइड हमारा है यहाँ पे, तो 44 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे एक बार दिक्कत हो रहा है एडजस्टमेंट में, तो हाँ यहाँ पे आ जाएँ 44 नंबर में, एक सिंक्रोनस मोटर जो लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य कर रही है और यांत्रिक नहीं चला रही है जाना जाता है, हिंदी में डिफिकल्ट है, अगर इंग्लिश में बोले सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा सिंक्रोनस मोटर है जिस पे कोई लोड नहीं है और वो लीडिंग पावर फैक्टर पे चला रहा है, तो डिप्लोमा डिग्री वाले इसे और अच्छा से समझेंगे, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को क्या बोला जाता है वो बताना है आपको। तो ये सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर, स्पिनिंग मोटर, सिंक्रोनस कंडेंसर और डीसी मशीन, और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम कैपेसिटर लीडिंग पावर फैक्टर पे सिंक्रोनस मोटर को चलाएंगे तो सिंक्रोनस कंडेंसर बोलते हैं, ये प्रश्न हमने थोड़ी सी हिंट आपको पहले दे दिया था, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी है। उसके बाद हमारे पास 45 नंबर प्रश्न है, पेंटोग्राफ हमें संपर्क तार यानी पेंटोग्राफ और कॉन्टेक्ट वायर के मध्य संपर्क हानि यानी कॉन्टेक्ट लॉस को कहाँ पे ज़्यादा होता है कहाँ पे कम होता है, और ये रेलवे का पेंटोग्राफ आप जानते ही होंगे इलेक्ट्रिकल इंजन के ऊपर लगता है, और कॉन्टेक्ट वायर बिजली का जो
25 के बी ट्रैक्शन होता है उसकी सप्लाई के लिए दिया होता है। तो ये दोनों को कॉन्टैक्ट में लॉस कहाँ ज़्यादा होता है वो बताना है। पहला मध्य स्पैन में पर ज़्यादा, मध्य स्पैन पर कम, सी कह रहा है समर्थन यानी सपोर्ट पे ज़्यादा, और मध्य स्पैन और सपोर्ट दोनों पे बराबर बराबर ही होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं, ऐसा डिजाइन किया जाता है कि सब जगह बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पेंटोग्राफ को आप एक देखें रेलवे के तार पे, तो यहाँ खंभा लगा होता है जहाँ पे सपोर्ट है, और इस दोनों खंभे के बीच तार कुछ इस तरह के घूमती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, स्ट्रेट लाइन से नीचे डिफ्लेक्ट कर जाता है, इस डिफ्लेक्शन को सैग बोलते हैं। अब जब ट्रेन की पेंटोग्राफ इससे घिसती हुई आगे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे तो उसे स्ट्रेट मिलेगा, लेकिन बीच में क्या मिलेगा, ज़्यादा बल प्रयोग लगेगा, इसी कारण से यहाँ बीच में मिड स्पैन में संपर्कन ज़्यादा लॉस होगा, और इस नीचे सैग के कारण ये प्रोसेस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य स्पैन में सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट लॉस होता है। उसके बाद हमारे पास 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित धारा संग्राहक गियर 25 के बी 50 हर्ट्ज आपूर्ति वाले एसी ट्रैक्शन में प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे बता रहा है धारा प्रवाहक संरचक गियर, जिसको पेंटोग्राफ ही इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, उसी के बारे में बोल रहा है, ट्रैक्शन में प्रयुक्त किया जाता है। पहला बोला ध्रुव संग्राही जिसे पोल कलेक्टर बोलते हैं, वो संग्राही जिसे वो पोल कलेक्टर, तीसरा डायमंड टाइप कलेक्टर, और चौथा सिंगल टाइप पेंटोग्राफ। तो आज के डेट में जितने भी होते हैं वो सिंगल टाइप पेंटोग्राफ ही शायद यूज होता है, और अगर आपको कुछ लगता है डिफिकल्ट तो आगे कमेंट में लिखिए, जिससे लोगों को और नॉलेज बढ़े। और यहाँ राइट आंसर डी है, जितने भी रेलवे इंजन के होते हैं आजकल, पहले डबल पेंटोग्राफ या डायमंड टाइप पे यूज होता था, लेकिन डायमंड टाइप बहुत भारी होता है और ये हाई स्पीड टाइप के उसमें यूज होता है, तो इंडिया में सिंगल टाइप पेंटोग्राफ ज़्यादा यूज होता है, राइट आंसर डी है। और 47 नंबर है, पिन टाइप इंसुलेटर यानी रोधक प्रयुक्त होता है कितनी वोल्टेज तक वो बताना है। तो मैंने देखा है कई बार 11 के वी तक भी होता था, तो हमारे हिसाब से तो 11 भी होना चाहिए और 33 भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ राइट आंसर आपका बी है, 33 के वी तक होना चाहिए। और पिन इसके बाद से अगर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेशन यूज करते हैं, इंसुलेटर यूज करते हैं, जिससे एक इंसुलेटर एक दूसरे से जुड़े हुए हुए संख्या बढ़ाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी है। उसके बाद हमारे पास 47 के बाद 48 नंबर, क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म कार का सहारा देना होता है, फंक्शन ऑफ क्रॉस आर्म क्या काम करता है इसके बारे में बताना है। तो ये भी प्रश्न रेलवे का ओएचई से लिया हुआ है, तो ओएचई में जब हम अभी सपोर्ट की बात किए थे खंबे पे, उस आर्म को क्रॉस आर्म या और भी नाम से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्रॉस आर्म की बात बोलते हैं। तो इसमें बताना है कि क्या है, तो ए आंसर है कंडक्टर इंसुलेटर, दूसरा ट्रांसफार्मर, बी है अर्थ वायर, और डी है ऑल ऑफ दी डिच, मतलब इनमें से सभी। तो कौन सा है वो आप बता देंगे, सिंपल सी अभी ने बोला कंडक्टर ऑन इंसुलेटर पे सपोर्ट करने के लिए क्रॉस आर्म यूज होता है, ओएचई में चाहे आपका कोई ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें भी। उसके बाद 99 पर है, 49 है, जिसमें आर्मिंग केबल, आर्मर समझ रहे होंगे, स्टील की एक ऐसा धातु बनाया जाता है कार्बन के इंसुलेशन के ऊपर, कंडक्टर इंसुलेशन के ऊपर, जिससे वो अच्छी तरह से संरक्षित कर सकते उस केबल को। तो ये किस लिए किया जाता है वो बता रहा है यहाँ पे, संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या होता है। तो ये है रस्टिंग से बचाने के लिए, किसको, स्ट्रैंड को यानी मेन आपके कंडक्टर को, दूसरा मॉइस्चर को इंट्री से या नमी को जाने से बचाने के लिए, तीसरा मैकेनिकल इंजुरी यानी आंतरिक चोट से बचाने के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आर्मर क्या होता है, हार्ड स्टील का बना होता है जो मैकेनिकल इंजुरी से केबल को बचाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 50 है, तो 50 में आप देखेंगे तो उपकरण के अर्थिंग किस लिए प्रयुक्त होता है, इक्विपमेंट अर्थिंग प्रोवाइडेड फॉर, पहला है सेफ्टी फॉर ऑपरेटिंग पर्सन, सेफ्टी फॉर इक्विपमेंट यानी जिस पे काम करते हैं उस इक्विपमेंट की भी सेफ्टी और पर्सन की भी सेफ्टी, और सी है रिडक्शन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, तो यहाँ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये अर्थिंग का उपकरण का ये तीनों पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न, संरचना लाइनों ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त आइसोलेटर को तोड़ने में समर्थ है,
आइसोलेटर आप जानते ही होंगे, सिंगल पोर आइसोलेटर होता है, और इसकी कलर आइसोलेटर का हमने जब ने फ्यूज एमसीबी की बात किया था तो आइसोलेटर का कलर क्या होता है? रेड। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, एमसीबी के रूप में भी आता है और बड़े बड़े लाइन में भी आइसोलेटर होता है, लेकिन इसकी सीरीज रेड होती है। तो इसमें क्या है? फोल्ट करेंट, लोड करंट, चार्जिंग करंट और जीरो करंट या नो करंट किसके लिए प्रयुक्त होता है वो बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चार्जिंग करंट राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद हम अगले स्लाइड में चलेंगे, 51 के बाद 52 से शुरू हो गए। तो 52 में क्रोना, ये भी ट्रांसमिशन लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो क्रोना किसके साथ रहती है? पहला कह रहा है बैगनिंग दृश्य निस्सरण, यानी बैगनिंग कलर का लाइट दिखना। फिर कह रहा है हिसिंग साउंड या ध्वनि। तीसरा है रेडियो इंटरफेरेंस, यानी रेडियो में गड़गड़ की आवाज़ आना। और डी, उपयुक्त तो सभी। तो कोरोना के ये सारे प्रभाव होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, कोरोना में इसकी सारी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर पहली बार आया है, जिसको सार्वत्रिक मोटर के नाम से जानते हैं, इसकी चाल के बारे में पूछ रहा है। तो ये है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी सप्लाई, यह है प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई और नन ऑफ दी एबव, तीन में से कौन है वो आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी से, ये सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट इसकी स्पीड या चाल होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। उसके बाद 54 नंबर है, किसी चालक कंडक्टर की लंबाई दुगनी की जाती है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और ये प्रश्न आपको CBT 1 में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न को आप CBT 1 में भी, ये प्रश्न आया हुआ है, इसको आपको CBT 2 में भी ले जाएगा। तो कह रहा है कि लंबाई दुगनी कर दिया जाए, तो लेंथ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और लेंथ का दोनों का समानुपाती रिलेशन है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ कंडक्टर की आप लंबाई दुगनी कर दिए, क्या कर दिए? लंबाई दुगनी कर दिए तो रेजिस्टेंस भी दुगनी हो जाएगी। तो सिंपल सी, डबल हो जाएगा रेजिस्टेंस। पैरेलल और सीरीज में उल्टा इसका दूसरा फंक्शन है, वो भूल जाइए। यहाँ पे आप याद रखिए, एल समानुपाती आर। उसके बाद हमारे पास 55 और 56 नंबर प्रश्न को देख ले। तो 55 आपका फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएन डायोड में क्षरण पत्र, यानी कह सकते हैं डिप्लेशन लेयर। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बार प्रश्न आता है, डिप्लेशन लेयर कैसे घटाई जाती है। और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आएगा जिसमें हम डायोड के फिगर की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्षरण परत में कैसे घटाई जाती है इसके बारे में बताना है। तो ये आपका कह रहा है डायोड को जीरो पोटेंशियल, जायरो डायोड को फॉरवर्ड बेसिंग में अप्लाई करेंगे, सी में कह रहे हैं डायोड को बैकवर्ड बेसिंग में करेंगे, और डी में डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाएंगे तब होगा। तो समझ सकते हैं आप, डायोड की बात करते हैं तो पीएन की बात कर लिया, तो पीएन के बीच ये जंक्शन है, इस पे मोटाई को, यानी एक लेयर बनने को डिप्रेशन लेयर बोलते हैं, ये सीधी सी बात करें तो। इसको कैसे घटाया जा सकता है उसके बारे में है। तो इस पे पी पे आपको देना है नेगेटिव सप्लाई और एन पे देना है पॉजिटिव सप्लाई, यानी कह सकते हैं बैटरी को आप इस डायरेक्शन में जोड़ दें तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपोज करेगा, जिससे डिप्रेशन लेयर कम होगा। और इस टाइप के डायरेक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड बेस। और आगे वीडियो में आएगा ये क्वेश्चन, उसमें हमें डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर हल करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका है बी, जिसमें डायोड को फॉरवर्ड बेसिंग में करते हैं। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, एक 6 पोल लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर में 300 कंडक्टर है और प्रति कंडक्टर ये में 5 वोल्ट है, तो जनरेटर में उत्पन्न ये पे हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फाई जेड एन पी बटा 60 गुना ये का फॉर्मूला आता है, और इससे कैलकुलेट करके सारी एक एक करना है। तो इसमें आपको नहीं लैप दिया हुआ है, तो लैप में पी बराबर क्या होता है? ये होता है पैरेलल पाथ, यहाँ तो क्लियर है, लेकिन इसमें एक चीज़ और नहीं बताया हुआ है, वो स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड का टर्म भी महत्वपूर्ण होता है, स्पीड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंक्रोनस स्पीड से, और टोटल ये कैलकुलेट करेंगे तो राइट आंसर आएगा सी। तो यहाँ पे हम आंसर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 आवर के समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सी राइट आंसर है, 250 वोल्ट, और इसको आप बुक से भी सहारा लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद 57 नंबर प्रश्न है, डीसी मशीन के आर्मेचर को किससे कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है? तो हमने बोला था आयरन लॉस दो प्रकार के, एक आपका है
हिस्टेरिस लॉस और दूसरा है आपका एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस के लिए क्या करते हैं, हम लैमिनेट करते हैं, और हिस्टेरिस लॉस के लिए सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ये आपको मिल गया, मुझे टाइम लगाना था तो आपको आंसर देने के लिए। तो हिस्टेरिस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस और विंडेज लॉस। तो अब लेमिनेशन करते हैं हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला 3 फेज इंडक्शन मोटर को अवरोधित यानी ब्लॉकेट किया जाता है तो स्लिप क्या होगा। तो हमने पिछले जो पार्ट हमारा 3 था, 3 नंबर हमारा टेस्ट था, उसमें हमने एक वीडियो बात किया था स्लिप क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो माइनस से 0 और 0 से लेके 1 तक इतनी स्लिप होती है, और जब 1 हो जाता है उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे ऑप्शन के बाद। तो यहाँ पे 0 है, 0.5 है, 1 है और 0.8 है। तो आपको बताना था कि अगर उसको ब्लॉक किया जाए तो स्लिप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का 0.1 पॉइंट स्लिप के टर्म में होगा तो उसे ब्लॉकेज बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। अगर 0.5 0.8 होता है तो इसके इंडक्शन वाला ही इफेक्ट बोलते हैं, और स्लिप थोड़ा ही होता है, 1 से कम हमेशा होता है, और कम से कम 0.05 इस टाइप से स्लिप होता है। उसके बाद हम बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न का, जिसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग पर अधिकतम टॉर्क प्राप्त होता है, किस पे प्राप्त होता है वो बताना है। 59 नंबर एक प्रश्न है, जिसमें रोटर रेजिस्टेंस बराबर रोटर रिएक्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस से ज़्यादा है रोटर रिएक्टेंस, सी है आपका रोटर रेजिस्टेंस ज़्यादा रोटर रिएक्टेंस से, और तीसरा रोटर रेजिस्टेंस बराबर है स्टेटर रिएक्टेंस का, तो इनमें से कौन सा होगा। तो देख सकते हैं इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग पे अधिकतम टॉर्क की बात कर रहा है, उस समय रोटर रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए रोटर रिएक्टेंस, तब अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करेगा, और इसका राइट आंसर आपके पास ये है 59 का। उसके बाद अगले स्लाइड में चलेंगे, तो अगले स्लाइड में हमारे पास 7 नंबर से प्रश्न आएगा। चलिए 7 नंबर आ गया है, फिर से CBT 1 प्रश्न का रिपीटेशन, जिसमें कह रहा है आर को एक रेजिस्टेंस या वायर है जिसके 4 भागों में काटने पे, पैरेलल में जोड़ने पे वैल्यू क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। यानी कह सकते हैं एक वायर को 4 भाग में आपको काट कर और एक फिर से इसको कॉम्बिनेशन करके हमें पैरेलल में करना है, यानी सीरीज वायर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। तो ये आपका आर है, बी आर बाई 2 है, सी आर बाई 4 है और डी आर बाई 36 16 है। और कई बार ये आर के टर्म में नहीं इसको वैल्यू लिख दिया जाता है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 20 ओम की है, 30 ओम की है। तो आप यहाँ कैलकुलेट उसी हिसाब से कर सकते हैं जब प्रश्न में उस टाइप का प्रश्न आएगा। तो ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस आर बटा 16 हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपका रेजिस्टेंस कटा वो कटा, उसके बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी है। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है, मापन उपकरणों में अवमंदन डैम्पिंग प्रदान किया जाता है। हम पहले भी इसी टॉपिक में हम पहले बात कर लिए हैं कि डैम्पिंग किस लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर से प्रश्न है। तो ब्रिंगिंग पॉइंटर टू फाइनल पोजीशन क्विकली, फिर कह रहा है जीरो पोजीशन पे लाने तक के लिए, स्केल से बाहर न जाने के लिए रोकने के लिए, और जीरो एरर एडजस्टमेंट के लिए। तो इसमें हमने पहले ही बात कर लिया है कि जब हमारा ये स्केल पे हमारा पॉइंटर चलता है तो ये पॉइंटर डैम्पिंग नहीं होके क्विक चले, एक स्मूथ चले और फाइनल पोजीशन जल्दी से दिखाए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये है, ब्रिंगिंग पॉइंटर टू फाइनल पोजीशन क्विकली स्मूथली क्विकली। तो ये राइट आंसर ये हो गया। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न अगर देखें, तो यदि एक कुंडली के लघु पिच यानी शॉर्ट पिच एंगल अल्फा है तो क्वाइल पिच फैक्टर क्या होगा। तो ए ऑप्शन है साइन अल्फा बाई 2, बी है कॉस अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 और कॉस ए, इनमें से कौन सा होता है। तो ये वाइंडिंग का टेस्ट है और वायरमैन के सिलेबस में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बी होता है कॉस ब्रैकेट अल्फा बाई 2। तो ये ध्यान रखिएगा अगर पूछ दिया जाए क्वाइल पिच फैक्टर क्या है तो ये बताना है आपको, और इसका न्यूमरिकल भी कई बार आ जाता है, आपको ये दिया हुआ रहेगा
तो उस समय आपको ये 60 डिग्री अगर दिया हुआ होगा तो आपको कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है, और कॉस 30 वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है आंसर सॉल्व। उसके बाद हमारे पास 63 नंबर प्रश्न, अधि एनर्जी मीटर का अल्मोनियम डिस्क, एनर्जी मीटर आप जानते ही हैं जिसमें गोल सा डिस्क होता है, शून्य भार पे भी चल रहा है तो प्रस्तावित त्रुटि होगी, किस प्रकार का एरर वो शो कर रहा है उसको बताना है। पहला है स्पीड एरर यानी चाल त्रुटि, दूसरा क्रीपिंग एरर, तीसरा है आपका फेज एरर, और चौथा है या डी है फ्रीक्वेंसी एरर। तो कौन सा एरर होता है, इससे दो प्रश्न है इस वीडियो में। तो पहला हमारे पास बी है, यहाँ पे बी आंसर है राइट, क्रीपिंग एरर यानी डिस्क को धीरे धीरे घूमना बिना लोड की, क्रीपिंग एरर बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन में है कि क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। उसके बाद हम चलेंगे 64 नंबर प्रश्न पे, जिसमें संचरण यानी ट्रांसमिशन की बात फिर से में फेरांटी इफेक्ट किस निष्कर्ष की ओर ले जाता है। तो यहाँ आपका है रिसीविंग एंड वोल्टेज लेस देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, दूसरा रिसीविंग एंड वोल्टेज बराबर सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज मोर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, और रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू हाफ एन दी सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो ध्यान दीजिएगा, फेरांटी इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जिसमें एक हमारा ट्रांसमिशन स्टेशन है और दूसरा रिसीविंग स्टेशन है। तो इलेक्ट्रिकल हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चलता है, ये सबको पता है, लेकिन फेरांटी इफेक्ट ऐसे कंडीशन को बताता है जिसमें हमारा ट्रांसमिशिंग एंड से रिसीविंग एंड की वोल्टेज ज़्यादा होती है, यानी हाई पोटेंशियल आपको रिसीविंग साइड में होता है। तो ये कंडीशन एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, स्पेशल कंडीशन है। तो यहाँ राइट आंसर है रिसीविंग एंड वोल्टेज मोर देन दी सेंडिंग एंड वोल्टेज, यानी जहाँ से हम भेज रहे हैं उससे ज़्यादा जहाँ प्राप्त होगा वो वोल्टेज है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। उसके बाद 65 नंबर है, आरपीएम मापने के उपकरण का नाम बताएं। तो यहाँ टेकोमीटर है, रोटामीटर है, सिंक्रोनोस्कोप है और पोटेंशियोमीटर है। तो इसके बारे में आपने सब हर जगह सुन रखा होगा, गाड़ियों में कौन सी उपकरण लगती है। तो यहाँ राइट आंसर है टेकोमीटर, टेकोमीटर से आरपीएम या स्पीड, स्पीड भी कई बार लिखा हुआ मिलेगा, तो स्पीड पता करने के लिए करते हैं। रोटामीटर से पानी की फ्लो, वाटर की फ्लो मापते हैं, सिंक्रोनोस्कोप से हमारा स्पीड की रोटेशन का ही दूसरे स्कोप में होता है, और कई बार ये डीजी के सिंक्रोनाइजेशन वगैरह या दो इक्विपमेंट के सिंक्रोनाइजेशन में भी लगता है। और पोटेंशियोमीटर आप जानते ही हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड पैरामीटर है। उसके बाद हमारे पास 66 नंबर प्रश्न है, जो हमने डायोड का पहले डिस्कस कर लिया है, पीएन डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड की बात कर लिया है डिप्लेशन के टाइप में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि दी गिवन फिगर में जुड़ा हुआ है, फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है, दोनों में है, नॉर्मल में है, कौन सा है कंडीशन में जुड़ा हुआ है वो बताना है। तो इसको अगर पी इधर लिख दे, एन इधर लिख दे, तो इस कंडीशन को आपको बताना है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, कौन सा कंडीशन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिवर्स दिखा रहा है, अगर हमने पहले डिस्कस किया उससे ये अपोजिट हो रहा है कि हमने पी को नेगेटिव दे दिया और यहाँ पे एन को पॉजिटिव दे दिया। तो या तो ये फिगर गलत है या पहले के प्रश्न हमने डिस्कस किया है वहाँ प्रॉब्लम है। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा आप इसको लिखिएगा जरूर कि इसमें कौन सा आंसर यहाँ दिया हुआ है, रेडी रिवर्स बेस। लेकिन हमारे हिसाब से देखिए, अगर यहाँ पे पी है, पी में पॉजिटिव होता है, माइनस को हम पॉजिटिव से सप्लाई करेंगे और एक साइड से प्लस है, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस करेगा, एक दूसरे को कंबाइन कर देगा। तो बिल्कुल यहाँ रिवर्स बेस राइट आंसर है, और पहला जो प्रश्न दिया हुआ था पीएन में जो हमने एक्सप्लेन किया उस तरीके से डिप्लेशन लेयर को हमके क्या करना है फॉरवर्ड बेस, लेकिन हमने इसमें जो देखिए ध्यान दीजिएगा उस करेक्शन का करेक्शन भी यही मिल जाएगा, पी और एन में हमने क्या सप्लाई जोड़ा था, यहाँ माइनस और इधर जोड़ा था प्लस। तो इस कंडीशन वो हमने पहले एक्सप्लेन किया है और उससे बोला गया है कि फॉरवर्ड बेस है, तो जी नहीं, वो फॉरवर्ड बेस नहीं रिवर्स बेस है। तो रिवर्स बेस में हमने एक्सप्लेन किया वो गलत था, लेकिन आपका आंसर वो सही है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को इसलिए यहाँ पे लिया था कि आंसर जब ये रिवर्स बेस यहाँ सही दिया हुआ है, पहले वाला का उल्ट भी फॉरवर्ड बेस सही दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हुई है, तो ये राइट आंसर आपका मिल गया होगा। तो पहले वाले प्रश्न में करेक्ट कर लीजिएगा, केवल आंसर आपका सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो 67 नंबर आपका प्रश्न है, यहाँ पे चित्र में सप्लाई वोल्टेज को बताना है। तो यहाँ आर एल सी है और पहले 40 वोल्ट है,
दूसरा 70 वोल्ट है, तीसरा 100 वोल्ट है कैपेसिटर के थ्रू। तो इसमें बताना है वोल्टेज क्या होगा ओवरऑल। तो ये कैलकुलेशन होता है इसका, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे भी 70 वोल्ट होगा इसका, और 40 वोल्ट रेजिस्टेंस के ऐसा वोल्ट कॉमन होता है, लेकिन इंडक्टेंस में लीडिंग लैगिंग होगा और कैपेसिटेंस में लीडिंग होगा, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो एक रिलेटिव यानी कॉमन सा वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज को रेजिस्टेंस वाला के जोड़ते हैं, तो ये 70 वोल्ट है। राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद हम 67 के बाद अगले स्लाइड पे चलेंगे, जिसमें हमारा टोटल प्रश्न 75 तक हमें पहुंचना है। तो यहाँ पे है ट्रांसफार्मर आयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात की है हमने, तो किस रेंज में होता है ये बताना है। पहला 5 kV/cm, दूसरा 20 kV/cm, तीसरा 35 kV/cm, और तीसरा 10 kV/cm, और कई बार mm में भी होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मुझे भी यहाँ प्रश्न में थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये kV/mm होता है, ये राइट आंसर है, और ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि kV/mm में क्या हो, ट्रांसफार्मर आयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस में मापा जाता है, तो kV/mm में रखिएगा। तो हम यहाँ पे प्रश्न में आंसर आपको चेंज कर देते हैं, सारा mm आप इसे रखें, सेंटीमीटर भी हो सकता है लेकिन वैल्यू कुछ और हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। तो कई सारे प्रश्न में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको एक्सप्लेन करने में भी गलतियाँ होती है, तो दोनों सारी चीज़ें कंबाइंड होके, और एक जागरूक स्टूडेंट जिसे पता है कि सारी चीज़ है, अच्छी कमेंट करे, जिससे सभी लोगों का करेक्शन हो जाए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो बनाते समय बहुत सारी मिस्टेक और प्रश्न में भी बहुत सारे मिस्टेक रहते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न हमारा 69 है, जिसमें ट्रांसफार्मर आयल का ब्रेकिंग डाउन टेस्ट किसे मापने के लिए किया जाता है। ब्रेक डाउन टेस्ट जहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बात किए हैं, तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपको बताना है रेजिस्टेंस ऑफ आयल, प्रतिरोध, विस्कोसिटी ऑफ आयल जिसको संयंता बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसे परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं, और तीसरा है ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में। तो ये बताना है आपको इनमें से चारों में से कौन से ऑप्शन होगा, ABC और D। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो 35 kV/mm की बात किए थे, उसी को कैलकुलेट करने के लिए राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट करते हैं, और कई जगह ये आपको लिखा आएगा BDV या BDT, इस टाइप के आता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, तो BDV आता है, यहाँ वोल्टेज नहीं है, तो यहाँ वोल्टेज भी आप इंटर कर लीजिएगा। तो BDV टेस्ट किसके लिए किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य चेक करने के लिए। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब 160 वोल्ट सप्लाई पे कनेक्ट करेंगे, तो एक्चुअल पावर कंजप्शन क्या होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको ओम्स लॉ के दोनों फार्मूला लेके चलना पड़ेगा, जिसमें आई और आर दोनों कंडीशन में ज्ञात करने के पी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप की कंडीशन में हमेशा पावर कम लेता है, वोल्टेज अगर अप्लाई कर दिए तो पावर 1/4 के 1/4 या कुछ उससे 1/2 कम होते जाता है। तो यहाँ कैपेसिटी 100 वाट है, तो ऑप्शन आप देखें तो 100 वाट, 110 वाट, 185 वाट और 84 वाट, ऑप्शन से ही हमें प्रश्न को मिल गया बिना हल किए हुए कि 100 वाट से तो कम लेगा, तो कम लेगा तो कम ऑप्शन कौन सा है, डी है। तो इस तरह से भी प्रश्न कर सकते हैं अगर टाइम बचाना है तो, नहीं तो कैलकुलेशन आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ 200 वोल्ट पे 100 वाट लेता है तो 160 वोल्ट पे 100 वाट से कम लेगा, क्लियर है, तो ये राइट आंसर डी है। उसके बाद हमारे पास एक 71 नंबर प्रश्न है, जिसे सीरीज में लगे दो लैंपों में से एक फ्यूज फिलामेंट होने पे, यानी फिलामेंट किसी का फ्यूज हो गया दो लैंप में से, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बाकी लैंपों पे, यानी कह रहा है इसमें दोनों में करंट फ्लो होगा, दूसरा कह रहा है एक जलेगा दूसरा नहीं, सी कह रहा है ए और बी दोनों में से एक कंडीशन जरूर होगा, और डी कह रहा है दोनों लैंप नहीं जलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सीरीज का हम कंसेप्ट पहले ही कर लिए हैं, तो सीरीज में कोई भी अगर एक सर्किट में से एक ब्रोक होगा तो ये सर्किट पूरी तरह से डेड हो जाएगा, करेंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ कह सकते हैं दोनों लैंप नहीं जलेगा, राइट आंसर डी है। उसके बाद 72 नंबर है, होल मेड इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर डिस्क
जो हमने बात किया था पहले कि एक एनर्जी मीटर में ये अगर बिना लोड के डिस्क घूमते रहता है तो यहाँ पे एक होल कर दिया जाता है। तो ये होल क्या है? क्रीपिंग इफेक्ट को रोकने के लिए, बैलेंसिंग ऑफ डिस्क के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए, सी है आपका एडी करंट से बचाने के लिए, और डी है डिप्लेशन टॉर्क से बचाने के लिए, डिफ्लेक्शन टॉर्क से को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पहले बात किया था क्रीपिंग की, और ये होल भी मेड किया जाता है क्रीपिंग को रोकने के लिए, कि अगर मीटर पे लोड नहीं रहे तो ये अपने आप घूमते नहीं रहे, यानी इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिससे मीटर नो लोड पे नहीं घूमेगा। तो राइट आंसर है आपके पास ए है। उसके बाद हमारे पास 73 नंबर प्रश्न है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर की मैकेनिकल पावर 300 वाट है, रोटर का कोणीय वेग 100 रेडियन पर सेकंड है, तो रोटर की टॉर्क क्या होगा वो बताना है न्यूटन मीटर में। तो टॉर्क कई बार पूछ दिया जाता है किस में होता है, तो न्यूटन मीटर में होता है, ये आपका यूनिट में, मेजरमेंट में, आपका बेसिक एंड साइंस में भी आ सकता है, और आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक में भी आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सीधे करना है इसको, 300 डिवाइडेड बाई 100 रेडियन पर सेकंड, और फॉर्मूला आप देख लेना, तो यहाँ पे आएगा TD 3 न्यूटन पर सेकंड इसका रोटर टॉर्क आएगा। तो इस बार प्रश्न को आप अगर हल करना चाहते हैं तो आप एक बार बैठ के इसको आराम से हल कर लें। राइट आंसर आपका है डी। उसके बाद हमारे पास 74 नंबर है, 400 वोल्ट की आरएमएस वैल्यू रखने वाले एक 60 हर्ट्ज वाले वोल्टेज को तरंग में कैसे प्रदर्शित किया जाए, यानी साइन वेव में उसको कैसे दिखाना है जब 60 हर्ट्ज है और ये 400 वोल्ट है। तो सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि इस तरह से लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये है 400√sin60t, दूसरा 400 sin60t है, यहाँ पे रूट है, और तीसरे में आपका है 400 sin 314t है, और 400√2sin 377t है। तो देखिएगा यहाँ पे 60 हर्ट्ज के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डी, जिसमें 400√sin 377t के रूप में, और टी है आपका टाइम पीरियड, जिसको फ्रीक्वेंसी के टाइम में ले जाते हैं। तो इस तरह से आपको राइट आंसर डी है। उसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न और बिल्कुल आसान से प्रश्न, ACB का फुल फॉर्म नाम बताना है। तो ACB आपने जानते ही हैं, अपने इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस में लगाते हैं किसी भी इक्विपमेंट को बंद और क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे नाम देखिए, एयर सर्किट, एयर करेंट ब्रेकर, दूसरा एसी बैंकिंग, तीसरा एयर सर्किट ब्रेकर, तीसरा एसीएन सर्किट ब्रेकर। तो ए से एयर, सी से सर्किट, और बी से ब्रेकर, जिसको सर्किट को तोड़ने और जोड़ने या फॉल्ट स्थिति आने में तोड़ने, अंडर वोल्टेज पे ट्रिप करने के लिए यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं एयर सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में जो बात किए हैं 75 नंबर और ये टेस्ट नंबर 4 था, तो उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी, और कुछ सहायता मिली तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि सभी लोगों को पता हो जाए कि एक्चुअल बिना टाइम लिए नॉन स्टॉपेज लंबा वीडियो बनाने से अच्छा है कि आपको ज्ञान की बात किया जाए, जिससे 26.5 नंबर आपका श्योर हो जाए और आपका पार्ट भी आसानी से कंप्लीट हो जाए, यही मेरा एक मकसद है। बाकी ऐसे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगते हैं, अगर 75 क्वेश्चन टाइप करना, फिर उसकी वीडियो बनाना, उसके राइट आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल है। और इस वीडियो के लिए थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन होगा, जो हमने एक सर्किट डायग्राम PN के लिए जो बनाया था उसमें एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वाले में गलत है, हमने बोल दिया था वो फॉरवर्ड बेस रिवर्स बेस है, लेकिन वो है था फॉरवर्ड बेस, तो उसको एक बार हमने वेरीफाई करके वीडियो में बता दिया है। तो इसी तरह के वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पढ़ाई होता है केवल पढ़ाई की बात, और टेक्निकल हम टर्म आपको कहीं नहीं कहते कि हमारे यहाँ पे फॉलो कीजिए, जीमेल पे फॉलो कीजिए, ईमेल पे कीजिए, और भी कई साइट है यहाँ पे फॉलो कीजिए जहाँ आपको पढ़ाएंगे। जो भी पढ़ाई होगी, जो भी बात होगी, केवल यूट्यूब पे होगी। अगर यूट्यूब पे बनना हमारे चैनल के साथ चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।